दोस्तों, इस देश में निर्वस्त्र घूमना एक आम बात है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये आधुनिक मुल्क है, उतना ही सांस्कृतिक भी, क्योंकि यहाँ आज भी कबीले बसते हैं। इस देश में जितने आदमी नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा महिलाएं रहती हैं। कुदरत की यहाँ हमेशा मेहरबानी बनी रहती है, तभी तो इसकी सुंदरता हजारों मील दूर बैठे आदमी को भी आकर्षित करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस देश में देह व्यापार बिल्कुल कानूनी रूप से मान्य है, जिसमें केवल 18 वर्ष की आयु के बाद महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम को कर सकती हैं। अपने घर पर इसी काम के लिए वो पुरुषों को भी बुलाती हैं और इन्हें यहाँ पर इसकी सुरक्षा भी प्रदान करी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड देश की। आगे शुरू करने से पहले, अगर आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट से भरपूर वीडियोस का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड ओशियाना महाद्वीप का एक खूबसूरत देश है, जिसे आप एक आइलैंड कंट्री भी बोल सकते हैं, जो साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर की तरफ आता है। इसीलिए इसे कई आइलैंड से जोड़कर बसाया गया है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लोग नॉर्थ और साउथ आइलैंड पर बसे हुए हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड को केवल आज से 400 साल पहले ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले माओरी संप्रदाय के लोग 1200 ईस्वी में आए थे, और तब से आज तक न्यूजीलैंड में इनका विस्तार होता रहा है। इस देश की एक और खासियत है कि आप यहाँ समुद्र से 128 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अधिकांश भाग में महासागर ही आता है। अगर हम आपसे कहें कि आप एक ऐसी झील या लेक के बारे में सोचो, तो आपके दिमाग में कलर ब्लू ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर लेक नीले रंग की ही होती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ग्रीन कलर की झील है, जिसे यहाँ के लोग डेविल बाथ कहते हैं। शायद ही आपने कभी इस तरह की कोई झील देखी हो। इस देश में एक शहर है ओटागो, जहाँ एक कार्डोना नाम की वैली है। यहाँ पर महिलाएं जाती हैं, अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर फोटोज खिंचवाती हैं। ये स्पॉट टूरिस्टों को काफी ज्यादा आकर्षित करता भी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है, और कीवी नाम का एक पक्षी यहाँ का नेशनल बर्ड भी है, जो देखने में काफी छोटा और सुंदर होता है। इस देश की आबादी काफी कम है, और यहाँ केवल 51 लाख लोग ही रहते हैं, जो कि काफी कम है, और इसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक है। न्यूजीलैंड फैला हुआ है 268,021 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। करेंसी को यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर बोला जाता है, जो भारत के 53 रुपए के बराबर है। इस देश में दोस्तों जितनी इंसानों की संख्या नहीं है, उससे अधिक भेड़े यहाँ पर रहती हैं। यूँ तो पूरा का पूरा देश ही सुंदरता से भरा पड़ा है, लेकिन जब बात यहाँ की राजधानी की होती है, तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का, जहाँ देश के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ब्रिटेन के एक नेवी कैप्टन, जिनका नाम कैप्टन जेम्स कुक था, उन्होंने न्यूजीलैंड की खोज करी थी। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, जो काफी खूबसूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यहाँ 50 से भी अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर ये देश ऊन का उत्पाद करता है, जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पुरुष पुरुष और महिला महिला आपस में शादी कर सकती हैं, और ये चीज यहाँ कानूनी रूप से मान्य भी है। इसके अलावा 16 वर्ष की उम्र में लड़का और 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों को शादी करने की परमिशन है, परंतु ऐसा कम ही होता है, और इस शादी की रजामंदी खुद माता पिता देते हैं। दोस्तों, ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ हर साल 1600 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से ही कमाए जाते हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 3-3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। पहली इंग्लिश, दूसरी माओरी और तीसरी न्यूजीलैंड साइन। न्यूजीलैंड में एक जगह है बोलवियन स्ट्रीट, जिसे काफी अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया है। ये ऊपर से नीचे की ओर 380 डिग्री की ढलान पर बनी हुई है, जहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है। डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड ही वो देश है, जहाँ के लोगों को सबसे ईमानदार माना जाता है, क्योंकि यहाँ का हर नागरिक बिना रिश्वत लिए अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करता है। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, और कुछ संख्या में एंग्लियन भी रहते हैं। ये वो देश है जिसने 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया था। अधिकांश देशों में गाड़ी चलाने के लिए परमिशन 18 साल के बाद ही दी जाती है,
लेकिन यहाँ पर केवल 15 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन और हवा सांपों को पनपने ही नहीं देती। न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज करी थी। इसके अलावा परमाणु एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस देश में एक खास तरह का पेड़ लगाया जाता है जो 1000 सालों तक जिंदा रहता है, जिसका नाम है पैपुआ ट्री। लगभग सभी कंट्रीज में एक ही राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में दो नेशनल एंथम हैं, जिसमें पहला गॉड सेव द क्वीन और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। सर एडमंड पैसिफिकल हेलरी, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, वो भी न्यूजीलैंड के ही थे। आज से लगभग 14 साल पहले इस देश को रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित और अच्छा माना गया है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को ट्रैम्पिंग करना काफी पसंद होता है, जिसका मतलब होता है पैदल चलना, और इसी वजह से यहाँ के अधिकांश लोग स्वस्थ और फिट रहते हैं। एनजेक डे न्यूजीलैंड में मनाया जाने वाला नेशनल हॉलीडे है, जिसे उन सैनियों और युवाओं के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कभी न्यूजीलैंड के किसी भी युद्ध में भाग लिया हो। यहाँ का नेशनल गेम रग्बी है, परंतु अधिकांश लोग क्रिकेट में ही दिलचस्पी रखते हैं। राजधानी वेलिंगटन के अलावा देश में ऑकलैंड, क्रिस्टचर्च, ड्यूनडिन, रोटोरुआ, क्वींसटाउन, टोरंगा, हैमिल्टन और नेपीज शहर बहुत ही सुंदर हैं, जहां आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। साथ ही लोगों का सभ्य व्यवहार भी आपका दिल जीत लेगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड में कई झीलें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक नीले रंग की झील है जो कि दुनिया की सबसे साफ लेक है, और इसमें 80 मीटर की गहराई तक आसानी से देखा जा सकता है। इस देश में ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों के दिन टीवी पर किसी भी तरह का विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी जाती है। ये देश जल्दी किसी को वीजा भी नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा माना गया है, और न्यूजीलैंड को ये छूट दी गई है कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो सकता है। यहाँ के अधिकांश लोग यूरोप से आकर बसे हैं, और एक जमाने में यहाँ अंग्रेजों का काफी प्रभाव था। यही कारण है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को यहाँ की क्वीन माना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यहाँ के राजा चार्ल्स थर्ड को बनाया गया है। न्यूजीलैंड के लोग अपना डिनर शाम 6-7 बजे के बीच ही कर लेते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं। यहाँ पर लगभग सभी लोग अच्छी जॉब करते हैं, और पर कैपिटा इनकम $45,440 है, जो कि काफी ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ का कॉलिंग कोड +64 है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने टीवी पर न्यूजीलैंड देश को बेचने का विज्ञापन ही चलवा दिया था, लेकिन बाद में इसे हटाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड की हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को मिस ना करें। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।